मेला का मैदान में जो है तारामाची है, मीना बाजार है, मौत का कुआं है, यानी बहुत तरह का मनोरंजन का जो चीज़ होता है वो आया हुआ है खास करके देखने के लिए। यहाँ के मेला जो होता है बहुत ही प्रसिद्ध मेला होता है, जो कि यहाँ पे देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालुओं के भीड़ भरे ही होते हैं, जो कि देखने के साथ साथ यहाँ पे मेला जो है देवघर के बाद जो है यहाँ पे दूसरा स्थान होता है यहाँ पर। आइए यहाँ के मंदिर के बारे में हम और युवाएं हैं मेरे पास, आइए हम उनसे चर्चा करते हैं, देखते हैं मेला का आनंद वह किस तरह से लेते हैं। फेमस कीजिए उसको, पहले फेमस कीजिए उसको। हमारे साथ गुप्ता न्यूज पे बहुत सारे युवा पीछे खड़े हुए हैं, उनसे बात कर लो, यहाँ से बात करते हैं इनसे कि मेला में आए हैं या फिर बाबा को पूजा करने आए हैं, कितना आनंद ले रहे हैं? बाबा को पूजा करने आए हैं, विशाल है। यहाँ क्या करने आए हैं आप लोग? ऐसे तो हम पूजा करने आए, पूजा करने के बहाने थोड़ा घूम भी लिए। अच्छा, ये मेला के बारे में थोड़ा विशेषता बताइए। यहाँ का जो मेला बहुत ही मशहूर है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। कितना दिनों का ये मेला है? ये करीब 5 दिन का है। 5 दिन औरों से पूछिए, 2-3 दिन और चले, नॉर्मली 3 दिन रहता है। आइए हम दूसरे युवाओं से बात करते हैं, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हुए हैं? ब्रजपुर से आए हुए हैं। इसका एक मनोकामना है, वही लेके आए हैं अभी। क्या बाबा से मन्नत है? अरे पार्वती को मांगते हैं, पार्वती अरे पीपल भी चनी ताओ न्यूज़ में भी चला है। बोलो कितना दिन से मंदिर में पूजा करते हैं? यही फर्स्ट बार आए हैं। चलिए, युवाओं से हमने बात करवाई है तो दोनों के बारे में से दोनों बताएं। चलिए एक भैया और है मेरे साथ, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सिराज कुमार नाम है। कहाँ से आए हैं? यही ब्लॉक से, ब्रजपुर से। ब्रजपुर से आप भी आए? हाँ, हम सब यहाँ पूजा कर लिए, अभी करने के लिए जा रहे हैं, अभी पहुँचेंगे तब ना। अच्छा, अभी फिलहाल देख रहे थे मेला, अच्छी तरह भीड़ लगे हैं। कितना दिन का ये मेला है? बस 2-3 दिन का लगता है। यहाँ पे शिवरात्रि से शुरू होते हैं, पूरे ग्राम में अभी दिखाई दे रहे हैं, दूर दूर तक सब यहाँ देखने के लिए आते हैं। पता है कि हमें पहले